हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा न्यू वीडियो में आपका स्वागत है और मैं बहुत ही लेट वीडियो बना रहा हूँ, तो गाइस इसके लिए सॉरी। और मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा वेबस्टर, जैसे कि छोटे से लेके बड़े मूवमेंट तक सिखाऊंगा, बेसिक से लेके लेवल तक सिखाऊंगा, और आपको वेबस्टर आज पूरा क्लीन हो जाएगा। जो भी आप स्टेप भूलते हैं वेबस्टर में, जिसके कि पैर जिसका सही नहीं जा रहा है, लैंडिंग सही नहीं हो रहा है, रोलिंग सही नहीं हो रहा है, मैं आज सब बताऊँगा। इस वीडियो को फुल देखिएगा बिना इसके। तो गाइस हम लोग अपने स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि हमको क्या क्या स्टेप करना है और क्या क्या चीज़ फॉलो करना है। तो हम पहले वार्म अप कर लेते हैं, कैसे 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 एक्सरसाइज करना है वेस्टर्न करने के लिए। पहला तो लेग स्ट्रेचिंग करना है, वन ऐसे कुछ, वन टू थ्री, फिर ऐसे हुआ, फिर साइड से वन, फिर टू, फिर थ्री, कुछ ऐसे करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा लेग स्ट्रेचिंग ऐसे करना है, वन टू थ्री फोर, ऐसे करना है। और इसे कम से कम लगातार दो तीन सेट करना है, जैसे कि आपका बॉडी पूरा खुल जाए। उसके बाद हम लोग अगला स्टेप क्या करेंगे देखिएगा। वेबस्टर करने के लिए सबसे पहले हम लोग रोलिंग करेंगे। एक ऐसे रोलिंग करेंगे, वाह सिंपल सा, पहले ये होना चाहिए ठीक है। फिर से बताओ रोलिंग कैसे किया जाए, करना है ये हुआ इधर, जिसको एकदम नहीं आता है, हाथ रखेंगे पैर सर ऊपर और ऐसे, ठीक ठीक है सर, समझ में नहीं आते फिर वो दिखा रहा हूँ, देखिए कुछ ऐसे, ठीक ऐसे करने के बाद तो हम आपको दूसरा स्टेप बता रहे हैं। तो गाइस बढ़ते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की ओर, और दूसरा स्टेप कुछ ऐसे करना है, आपको बता रहे हैं। एकदम डी बनना है सर, एक देख कैसे डी, जैसे इधर देखिए ये हुआ, जो एकदम नहीं बन पाते हैं उसे डी पहले से बनना है, इधर हुआ वन, फिर स्टेप करना है, हाथ को इधर रखना है, फिर और पैर को कुछ ऐसे परफॉर्म करना है, वन टू थ्री कुछ ऐसे करना है ठीक। और ऐसे करने के बाद फिर थोड़ा सा ऐसे बनना है आप लोगों को, ठीक यही यही मूवमेंट करना है, पर ऐसे बनना है, इधर हाथ इधर, फिर कुछ ऐसा करना है ठीक। फिर इसी स्ट्रोक को थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर लेंगे, ये हुआ, अब पैर पीछे लेके आना है ठीक, ऐसे करके थोड़ा सा स्पीड से कुछ ऐसे, ये हुआ हम लोगों का दूसरा स्टेप। तो हम लोग अपने तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस हम लोग का तीसरा स्टेप ऐसा है, जो दौड़ कर एक फ्रंट करना है ठीक है सर, दौड़ कर एक फ्रंट करना है, जैसे रनिंग करके फ्रंट करना है इंग्लिश में बोलते हैं। और ऐसे पूरा पे ट्राई मारिएगा जिसे चोट ना लगे, देखिए ऐसे हुआ, थोड़ा सा रनिंग करना है ऐसे, ओके सर ये चीज़ करना है। फिर मैं आपको ठीक से बता रहा हूँ, थोड़ा ऐसे हुआ, वैसे पहले पहले कैसे होगा आपसे, पहले 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 ऐसे होगा आप लोगों से ठीक है। तो आप कंटिन्यू बस दो दिन करिएगा, वो क्लीन हो जाएगा ठीक है, ऐसे फिर हल्का हल्का सुधार होता रहेगा ठीक है। फिर से करिएगा, जब तक हो गए नहीं तब तक करते रहना है, क्योंकि ये होगा तो तीसरा स्टेप हम लोग का कुछ ऐसा होगा। तो गाइस हम अपने चौथे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे स्टेप की ओर, और चौथा स्टेप हम लोगों का कैसा रहेगा सर, मैं आप लोगों को बताता हूँ। चौथा स्टेप में जिसको वही चीज़ जिसको अभी सेम किए हैं वही चीज रहेगा, पर हैंड से करना है, वन हैंड से करना है, देखिए वन ठीक, फिर ऐसे करना है, जिसे नहीं ओके तो आराम से करे, कोई टेंशन नहीं है, हुआ वन ऐसे ऐसे होगा ठीक है। शुरू शुरू में तो ऐसे सबसे होता है, हमसे भी ऐसे ही होता था, फिर से देखिए वन ठीक ऐसे होने लगा, ऑटोमेटिक होने लगा, बस आप प्रैक्टिस करिए। और मैं थोड़ा सा अपने बाल से परेशान हूँ, और मैं स्ट्रेट करा के बहुत ही पछता रहा हूँ, मेरे बहुत ही सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स बोल रहे थे कि भाई सनी भाई आपका बार अच्छा नहीं लग रहा है, इस पर फोकस नहीं करते हैं हम लोग, अपने स्टैंड पे देखते हैं। तो चौथे फ्लिप कैसे करते हैं ठीक है, चौथा फ्लिप फिर देखिएगा, ए ऐसे परफॉर्म करना है ठीक है सर। तो हम लोग अपने पांचवे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस हम लोग को पांचवा स्टेप ऐसे करना है, जितना भी स्टेप हम लोग सीखे हैं अभी सबको एक साथ मिलाकर करना है। और पांचवा स्टेप में जैसे रनिंग वेस्टर करना है, पहले रनिंग वेस्टर करेंगे उसके बाद हम लोग प्रॉपर वेस्टर करेंगे। तो रनिंग वेस्टर बता रहे हैं मैं आपको कैसे करना है, देखिए प्लस थोड़ा सा जैसे कि देखिए जैसे हुआ ऐसे थोड़ा सा लेना है, जैसे मेरी टाइप है इधर ऊंचा है, आप कुछ भी बना सकते हैं, बोरा रख सकते हैं, कुछ भी आप ऊंचा बना सकते हैं। ऐसे ऊंचे करने के बाद स्पेस करना है जो क्लीन हो और किसी क्लीन हो, तो देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ वेस्टर अपना, ये ऐसे कुछ ऐसे होगा। फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा, आप लोग उसे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, पहले पहले कैसे होता था अब पहले कैसे होगा, पहले ऐसे आएगा ये ठीक, पहले ऐसे होगा, फिर से आप ट्राई करते रहिएगा कंटिन्यू कंटिन्यू, फिर ऐसे आएगा ठीक, फिर कंटिन्यू करिएगा, फिर ऐसे होगा थोड़ा सा ये एकदम, फिर फिनिशिंग थोड़ा सा एनर्जी लगाइएगा हाथ को, ये जो है इसको और पैर से पूरा फिनिश करना है
ऐसे, तो आपने छठा स्टेप क्यों बढ़ते हो। तो गाइस हम जितना स्टेप बताएं इन सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद तो हम अपने फाइनल राउंड में पहुंचते हैं और इसे वेफ्टर करते हैं। हम लोग देखते हैं वेफ्टर कैसे करते हैं और मैं आपको बढ़िया से बताऊंगा, बढ़िया से बढ़िया तक बताऊंगा। तो आप देखिएगा ऐसे, पहले में कुछ ऐसे करना है आप लोगों के, पोजिशन यहाँ रहेगा और थोड़ा सा आगे लेके जंप लेना है, वन ऐसे कुछ ऐसे परफॉर्म करना है, फिर से ए वन ऐसे आएगा। ठीक, तो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम बढ़िया से, क्योंकि पहले क्या क्या करना है आपको। पहले ये पोजिशन आना है, पैर यहाँ रहेगा, ये स्विंग करना है, स्विंग पीछे देखिए कैसे है, पीछे से चोट लग रही है पर आप पूरा ट्राई मारिएगा सही होगा। फिर से देख लीजिए कैसे करना है, इधर ये जंप हुआ है, तीन पैर हवा में और इसे ठीक ऐसे करना है। फिर हम लोग इसे फाइनल राउंड में कैसे करते हैं, तो इधर आएगा और इसे स्विंग करके फिर से पैर को भी स्विंग करना है, कि फिर से एक रोल लेना है, ये ऐसे कुछ वेफ्टर होगा। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फाइनल राउंड है हम लोगों का, कुछ ऐसा वेफ्टर होगा। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा और जो समझ में आए या नहीं आए तो उसमें कमेंट करिए, और मैं फिर से चाहूँ बढ़िया सिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को। और मैं दो तीन महीने से मैं स्टंट नहीं कर रहा था, अब स्टंट करने जा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा फ्लिप सिखाऊंगा जितना मैं करता हूँ। जो आपको सीखना है अगला फ्लिप वो बता दीजिए कि अगला फ्लिप आपको क्या सीखना है, मैं उसका ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।